नगर थाना क्षेत्र में एक अवैध साहूकार को व्यक्ति का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार वादी कन्हैयालाल हौसलाल सिंहम मुपे तुकड़ूजी नगर सुभाष नगर के पास अपने निवास पर किराना और जनरल स्टोर चलाते हैं। पैसों की जरूरत के चलते उन्होंने जनवरी 2022 में आरोपी श्रेयश उर्फ शेरा शेखर बोरकर से 85,000 रुपए ब्याज सहित लिए थे। अभियुक्त ने ब्याज के रूप में 850 रुपए प्रतिदिन और ब्याज का भुगतान न करने की स्थिति में 500 रुपए जुर्माना लगाया। वहीं अगस्त 2022 तक वादी ने अभियुक्त को कुल 2,78,500 रुपए की मूल राशि के रूप में सौंप दिए थे। वहीं वादी ने दूसरी जगह से कर्ज लिया और उसे चुका भी दिया। चूंकि वादी दुकान का सामान का भुगतान कर रहा था और बैंक से कर्ज ले रहा था, इसलिए उसने आरोपी से 2,00,000 रुपए का कर्ज और उधार लिया और कहा कि अगर कर्ज मंजूर हो गया तो वह इसे लौटा देगा। जब वादी ने दोबारा आरोपी से 2,00,000 रुपए कर्ज मांगे तो आरोपी ने अपने साथी आरोपी नीरज राजू चिपटे के पास उसके खाते से चेक द्वारा और वादी के घर को गारंटर के रूप में नोटरीकृत करने के लिए कहा। वहीं 3 दिसंबर 2022 को जब वह नोटरी के लिए जिला न्यायालय में पहुंचे तो अभियुक्त ने उसमें लिखा था कि उसने वादी से पूछे बिना वादी का मकान किसी अन्य को 3,00,000 रुपए में बेच दिया है। इस वजह से पारवादी ने नोटरी करने से मना कर दिया और वापस चला गया। इसके बाद अभियुक्त ने कुछ समय बाद वादी को आईटी पार्क बजाज नगर में मिलने के लिए बुलाया और वहां करीब 2 बजे उनके बीच वादी की स्विफ्ट कार नंबर SH14AR1898 में उन्हें बलवपुर जबरन अगवा कर लिया और सोनेगांव हवाई अड्डे के क्षेत्र में एक सुनसान जगह पर उन्हें लेकर उन्हें अश्लील गाली देने लगा और उनके साथ मारपीट भी की और वादी को जबरन मजबूर करते हुए धमकाते हुए कहा कि अगर वो नोटरी नहीं करता तो उसकी बेटी को मार दिया जाएगा। वहीं वादी ने 5 दिसंबर 2022 को अपनी पत्नी के साथ जिले में जाकर नोटरी पर हस्ताक्षर कर दिए। आरोपी लगातार वादी द्वारा ली गई राशि पर ब्याज और अर्थदंड की मांग कर रहे थे। वहीं 6 जनवरी 2023 को आरोपी ने रुपए ना लौटाने पर पत्नी व पुत्री को जान से मारने की धमकी दी। साहूकार होने के नाते आरोपी ने जबरन वादी से घर को गिरवी रखवा लिया और ब्याज चुकाने की धमकी देकर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इस मामले में थाना प्रताप नगर में वादी के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर धारा 386, 384, 364, 394, 323, 504, 504, 507 और 34 उपधारा के तहत अन्य धाराओं सहित साहूकार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। फिर्यादीने जेव्हा प्रत्यक्ष ते वाचलं की बा आपलं राहतं घर गहाण ठरल्याप्रमाणे गहाण न ठेवता आरोपींनी विक्रीपत्राचाच नोंदणी करारनामा बनवलेला आहे, नोटरी करारनामा बनवलेला आहे, तेव्हा फिर्यादी हे घाबरून गेले आणि त्याच्यानंतर आरोपी शेरा बोरकर हा वारंवार फिर्यादीला पैसे वापस करण्याकरता नाहीतर घरातलं सामान येऊन फेकून देईल वगैरे अशा पद्धतीने धमकी शिवीगाळ आणि करत होता। तर ह्या सगळ्याबद्दलचं फिर्यादीने तक्रार दिलेली आहे, त्याचा तपास युनिट क्रमांक 1 करता आहे आणि जो दस्त आरोपींनी बनवला होता तो आम्हाला हस्तगत झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर अधिक तपास चालू आहे। फिर्यादींनी हे साधारणतः जुलै 2022 मध्ये पासनं त्याचं ते कर्ज घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये आरोपी क्रमांक 1 श्रेयस उर्फ शेरा बोरकर आणि आरोपी क्रमांक 2 नीरज उर्फ निक्कू चिपाटे असा या दोघांचा सहभाग आहे। ह्यांच्याशिवाय अजून कोणाचा सहभाग आहे का ह्याचा तपास आम्ही करीत आहोत। तपास अतिशय प्राथमिक अवस्थेमध्ये आहे आणि 30% व्याजदराने आरोपी क्रमांक 1 हा फिर्यादीकडनं पैसा वसूल करत होता, जी रक्कम त्यांनी कर्जाने दिली होती त्याच्याकरता असं प्राथमिक तपासामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे। अटक आरोपी क्रमांक 1 आणि आरोपी क्रमांक 2 हे दोघंही ह्यांचा रेकॉर्ड आहे आणि ते मागे पण एका गुन्ह्यामध्ये एकत्र सह आरोपी होते आणि हे बऱ्याच काळाचे मित्र पण आहेत। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षय अंसारी की रिपोर्ट।